हेलो नमस्ते एवरीवन, फिट धामनोद हेल्दी धामनोद मूवमेंट में आपका स्वागत है। ये फिटनेस कैंप 2019 की तरह इस बार भी हम फिटनेस कैंप लाने जा रहे हैं आपके हमारे शहर में धामनोद में। स्टेप टुवर्ड फिट एंड हेल्दी निमाड़, ये हमारा मोटो है कि हम हमारे देश को, हमारे शहर को सबसे पहले फिट बनाए। तो उस फिटनेस कैंप के तहत हम वेरियस प्रोग्राम कराएंगे। हम फिटनेस के ऊपर, हमारा वेरियस हर कंपोनेंट के फिटनेस के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, हम इस प्रोग्राम में हमारे एरोबिक एंड कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा हार्ट की हेल्थ अच्छी रहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थेरापेंट एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन, गेम, फन एंड मच मोर। ठीक है, तो हमारे इस प्रोग्राम में क्या है, सिर्फ एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं रहेगी, यहाँ पे बहुत ही वेराइटी रहेगी। हम फोकस करेंगे फिटनेस के हर कंपोनेंट के ऊपर। अगर आप जिम जाते हैं तो आप मसल्स के ऊपर फोकस करते हो या कार्डियो के ऊपर फोकस करते हो, पर हमारे इस कैंप में हम मेंटल ट्रेनिंग, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, मेडिटेशन, योगा, हम कैसे स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे इस फिटनेस कैंप में। ये बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। साथ ही साथ हम जनरल पीपल के लिए, ये सारी चीजें एक्सरसाइज बोरिंग होती है, तो हम इसे एक मॉडिफाइड करके फन गेम के साथ में, रिक्रिएशन के साथ में प्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप फिटनेस के लिए क्यूरियस हो, अगर आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता है, या फिर आपको अपने आप को वेट को कम करना है, स्ट्रेस को कम करना है, आप हेल्दी और फिट लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं विदाउट एनी क्रॉनिक डिसीज और डिप्रेशन और एंजाइटी, तो हमारे इस फिटनेस कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट है 15 दिसंबर। ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है मेरा, इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ डाउट है, एनी क्वारी, तो ये आप देख सकते हैं हमारा लास्ट ईयर का हमने जो फिटनेस कैंप लगाया था उसके कुछ स्नैपशॉट्स है। ये हमारा 2019 का जो कैंप था, फिटनेस कैंप, वो आप सबके सपोर्ट की वजह से बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे हमने बहुत ही वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज की थी, और यहाँ पे स्पेशली हमारा फीमेल के लिए अलग टाइमिंग रहेगा, मेल्स के लिए अलग टाइमिंग रहेगा। एज कैटेगरी है अबाउट 18। ठीक है, जो जिनकी भी उम्र 18 से ऊपर है, 18 ईयर ओल्ड से ऊपर है, 18 ईयर से ऊपर है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये स्पेशल फोकस्ड है लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए, जो कि जिम नहीं जा सकती, तो उनके लिए अवेलेबल है अलग से सेशन, डिफरेंट टाइमिंग क्लासेस। ठीक है, तो दे कैन ज्वाइन इजिली। अब ये प्रोग्राम हमें, आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग में आपको मिलेगी, सिर्फ एक टाइप की एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। हर वीक में हर दिन आपको वेरिएशन मिलेगा। फिटनेस के हर कंपोनेंट पे फोकस होगा, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, सब। ठीक है, ये सारी चीजें आपका फोकस होगा, आपका मेंटल ट्रेनिंग, आपका मेडिटेशन, आपका रिलैक्सेशन, तो ये सारी चीजें में फोकस करेगा। और ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा इतनी आसानी से हमारे शहर में। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रेप, अगर आप फिटनेस के लिए जागरूक हो, फिटनेस के लिए कॉन्शियस हो, तो ये आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट है। ठीक है, अब ये हमारी जो फिटनेस, अगर सेशन आप ज्वाइन करोगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले इट विल किल योर डिप्रेशन। तो अगर हम इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है, अगर हमारे पूरे डे में 24 आवर्स में से अगर हम 20 मिनट्स भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, 30 मिनट भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ाता है, नॉर्मल हमें तनाव में रखता है। हमारी बॉडी ही बनी है अर्ली टाइम से देखे तो मूवमेंट के लिए, तो जो एगर है, जो एग्रेशन है, वो बाहर निकलना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटी एक आउटलेट प्रोवाइड करता है आपके एग्रेशन को, आपकी एंजाइटी को, आपके डिप्रेशन को बाहर निकालने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी करने से पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, एंडोर्फिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर, जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब उसका सिक्रेशन होता है, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को दूर करता है, हमारा मूड ठीक होता है। ठीक है, कई सारी स्टडीज में पाया गया है कि इसका भी आपके पॉजिटिव ब्रेन पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है, एल्जाइमर्स की डिसीज के चांसेस को कम करता है, आपके जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है उस पोर्शन में न्यूरोजेनेसिस होता है, तो ये सबके लिए बेनिफिट है। BDNF सिक्रेशन होता है, जो कि आपके ब्रेन के ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो आपकी ब्रेन के लिए अच्छा है, क्रोनिक डिसीज को कम करता है, फैट के लेवल को कम करता है, आपकी जो आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसे कम करता है। ठीक है, आपकी बूस्ट इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कई बार अभी पिछली बार हमने लॉकडाउन में देखा ही था कि सब योगा की तरफ टूट कर भाग रहे थे, जब पेंडेमिक आया था, जब उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट आया था कोविड का, तो उस टाइम पे जब हम करेंगे तो उस टाइम पे तुरंत हमें इफेक्ट नहीं मिलेगा। अभी से हमें प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर आने वाले पेंडेमिक, आने वाली जो क्राइसिस है, उनके लिए अभी से हमें तैयार होना पड़ेगा। ठीक है,
हर किसी को एज पर्टिकुलर एज के बाद डायबिटीज हो रही है, क्रोनिक डिसीज हो रही है, तो फिजिकल एक्टिविटी करके हम कई हद तक इन इसके जो क्रोनिक डिसीज के चांसेस को कई ऑलमोस्ट हद तक हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है मसल्स के ऊपर वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो जिससे डायबिटीज होने के चांसेस कम रहते हैं। और हाइपरटेंशन, जब हम एरोबिक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं या फिर लंबे समय तक स्लो इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स में और हमारे जो ब्लड वेसल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन होता है जो हमारी वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि आप हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे 1 आवर भी कम पड़ेगा फिजिकल एक्टिविटी के बेनिफिट को बताने के लिए। बट मेन थिंग राइट एक्सरसाइज, राइट इंटेंसिटी, राइट वॉल्यूम, ये सब होना जरूरी है। अगर आपको बेनिफिट चाहिए एक्सरसाइज का तो उसको राइट डिजाइन करना, राइट टाइम पे करना, राइट इंटेंसिटी सही तरीके से करना जरूरी है। अगर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज, अगर हम सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल एक ही वॉकिंग ही कर रहे हैं 5 ईयर्स तक, तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है, तभी इम्प्रूवमेंट होगा और हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप हमारे फिटनेस, अगर आप क्यूरियस हो एक्सरसाइज कैसे की जाती है, किस टाइप की जाती है, तो इस 1 मंथ में हम सारी चीजें आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, करके बताएंगे और हर किसी के लिए इक्विपमेंट्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये 1 मंथ के सेशन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रेनिंग सेशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 15 और हर कोई इसे ज्वाइन कर सकता है, अबाउट 18 एज ग्रुप। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।